कौन करेगा? ये एनालिसिस करता हूँ क्या मैं? ये एनालिसिस करना उतना हमारा काम नहीं है यार। लॉ ऑफ एवरेज प्रिवेल करती है तो करती है यार। अब 10 में से 5 आदमी ज्वाइन करेंगे तो करेंगे ना यार, करेंगे ना यार। अच्छा 5 आदमी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप पूछो क्यों नहीं करेंगे? भाई मुझे क्या पता क्यों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज है तो मैं थोड़ी बैठा हुआ एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई तू क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। ठीक है, उसके अपने रीजंस हैं। क्यों रवि सर आपने किया ना ज्वाइन? राइट, ट्रेनिंग में भी आ रहे हो, सेमिनार में भी आ रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो ना सर, समझ रहे हो ना सब कुछ। राइट, अब कोई आपके साथ आया उसने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे क्या है सर इसमें? मैं कैसे एनालिसिस करूं? किसी को प्रोजेक्ट दिखाने के बाद मेरा एनालिसिस थोड़ी है। मैं तो सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। अभी मैं इनविटेशन में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आए। जितने लोग इस बिजनेस में आएंगे, जितने लोग इस बिजनेस में दिखेंगे आपको, मतलब कि जितनी एवरेज बढ़ोगे। आपने ये किताब पढ़ी है क्या? यस सर। फेल होता है क्योंकि आप और लोगों का अप्रोच नहीं कर रहे। हम दो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, उसके बाद लटक जाते हैं सर, उसकी क्लोजिंग नहीं हो रही, चल उसके पास चलना है सर, मामा जी के पास चलना है, मामा जी के पास चलना है, मामा जी के पास चलना है। वो मामा जी भी घुंटी अटकी पड़ी है, मामा भी अटकी घुंटी, मामा ज्वाइन नहीं करता, मामा गोली दे जा रहा तो घुंटी वही अटकी पड़ी है। आगे बढ़ना है यार, आगे बढ़ो। अगर हमने 9 दोस्तों को प्लान दिखाया पहले दिन शुक्रवार को, 9 नहीं ज्वाइन, हम क्या घुंटी अटका के बैठ गए? वही घुंटी अटका लेते तो 9 में से 7 नहीं जुड़ते फिर वापस। 9 में से 7 को 6 महीने में जुड़ गए थे ना, विद इन 1 ईयर जुड़ गए थे 9 में से 7। वो इसलिए जुड़े थे क्योंकि हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। उन्होंने देखा साला ये तो आगे निकल रहा, पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जुड़ गए इस मान में, पकड़ नहीं पाया पर कोई भी। गोल्डन रूल है जो इस किताब के अंदर लिखे हैं शुरू शुरू में ही। पहला गोल्डन रूल है मीट मोर पीपल। क्या सर? अच्छा, दूसरा गोल्डन रूल है मीट मोर पीपल। तीसरा गोल्डन रूल है मीट मोर पीपल। तो देयर इज ओनली वन गोल्डन रूल, मीट मोर पीपल, मोर पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल। दैट इज व्हाई Have more list, Facebook, broadcast, WhatsApp, have more list, empty your mind, empty your mobile, empty your Facebook, have more list. जितनी बड़ी लिस्ट उतना आसान लोगों से मिलना, उतना आसान अप्रोच करना। साला दिन में 20 बार यूज करो ना स्क्रिप्ट को, कौन रोक रहा है यार? Who is stopping? आप सोचते हो कि अगर मैंने स्क्रिप्ट का यूज कर लिया और उसको पता लग गया मैं कुछ कर रहा हूँ, और अगर वो इन्विटेशन नहीं हुआ तो आदमी चला गया वापिस, मतलब काटा हो गया उसको? ऐसा नहीं है सर, अभी काटा थोड़ी हुआ उसको। एक आदमी जब पार्लर खोलता है, एक लेडी जब पार्लर खोलती है तो क्या करेगी? सबसे पहले वो क्या बोलती है? इनविटेशन तो करते हैं कि मैंने पार्लर खोला है। एक बंदा जब शोरूम खोलता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो मुहूर्त करता है, इनविटेशन तो देता है कि मैंने स्टार्ट किया, भाई तुम्हें फ्रिज लेना हो, कूलर लेना हो तो मेरे से लेना। राइट, तो अब तो आपने बता दिया ना, उसको पता है कि आप कुछ कर रहे हो, उसको पता है, ही इज वॉचिंग यू नाउ, नेवर एवर थिंक दैट ही इज नॉट वॉचिंग यू, ही इज नाउ वॉचिंग यू, यू आर अंडर वॉच, यू आर अंडर वॉच। राइट, कुछ मत करो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो और मोटिवेशनल मैसेजेस भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। जब ठीका वीका आएगा तो बात कर लेना, और सर बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत तगड़ी से तेजी से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तेजी से। आप बड़े लकी हो, आपने रिप्लाई किया, लेट अस मीट, लेट अस मीट। राइट, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे संदीप सर हैं, संदीप सर तो मार्च में आ गए थे, 3rd March। सुजीत जी शायद वन ऑफ द फर्स्ट, मे बी वन ऑफ द फर्स्ट और सेकंड उसी महीने। राइट, सुजीत जी को मैंने प्लान दिया शायद, या राजीव सर ने, राजीव सर ने। हाँ जी,
भाई तो इनको मैंने प्लान दिया आज, अब ये देख रहे थे ही हैज बीन, अब प्रोजेक्ट लेने के बाद तो चले गए, बट ही हैज बीन वॉच्ड बाय हिम टू इयर्स, सत्ता देखा वो तो यार जब पूरी जिंदगी काम करना तो 2.5 साल कौन सी सारी छोटी चीज है। ये भाई साहब गौरव मिश्रा जी, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट आई हैव मेट, प्रोस्पेक्ट तो नहीं खैर दोस्ती था पहले से, 4-5 सालों से जानते थे एक दूसरे को, हालांकि मेरे कस्टमर थे, मैं वेंडर था इनका राइट। तो कस्टमर समझते हो, कस्टमर बहुत लोग बोलते हैं कस्टमर को अप्रोच मत करो, हम अपने कस्टमर को कैसे अप्रोच करें, कस्टमर को अप्रोच करना बहुत ईजी है जिसके साथ आपके कॉन्टेक्ट है बढ़िया राइट। तो ये मेरे कस्टमर मतलब ऐसे तो चलो दोस्त हो गए, वहां बढ़िया कॉन्टेक्ट थे लेकिन कस्टमर थे वैसे ऑफिशियली कस्टमर राइट। तो मैंने इनको अप्रोच किया तो उस समय तो ये गुत रखा करते थे, लंबे लंबे बाल थे इनके, तो उन्होंने उस समय भाव नहीं दिया। फिर मैंने जून में चेक दिखाया था 35,758, जून में भी कहता चलो सोचता हूँ, सितंबर में आए ये फिर राइट। और जानते हो इनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कैसे उठा है, ये बिजनेस में आए थे जो जब ये सेमिनार में आए थे ना इवनिंग में, तो चप्पल में आए थे सेमिनार में, इवनिंग में सेमिनार था उस समय, ये फिक्की में इवनिंग सेमिनार था और भाई साहब चप्पल में आए थे राइट। और एटीएम से पैसे निकाल के दिए थे 30,310 रुपए ठीक। तो मैंने कहा सेमिनार, मैंने कहा यार तू यार गौरव क्या यार, मैंने कहा चल कोई बात नहीं फिर अटेंड कर लियो। अब पता नहीं एक दो दिन में तीन दिन में इंडक्शन के लिए बैठे, तो उसने बोला आप कैसे लोगों को अप्रोच करूं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये स्क्रिप्ट लिखवाई थी उस समय इनको, ये लिखवाई थी इनको स्क्रिप्ट उस समय, ये अपनी साइट पर जा रहे थे तीन दिन के लिए, मैंने कुछ मत करियो लिस्ट बना ला, ये 350 लोगों की लिस्ट लेके आए थे और मैंने ये स्क्रिप्ट लिखवाई थी बस उस समय, ये ऐसे छापी छुपी नहीं हुई थी हमने ना, तो मैंने ये लिखवाई थी, मैंने कहा ये लिख लो और ऐसे लोगों को अप्रोच करना, वार्म क्या कोल्ड क्या, क्योंकि ये इनके बहुत सारे वेंडर थे, क्योंकि ये परचेज में थे राइट, बहुत सारे वेंडर थे, तो सब लोग अब दुसान के नाम से आए थे, सब लोग दुसान के नाम से ही बहुत लोग आते थे, तो जो भी वेंडर आया जो आया जो दिखा उसको यही स्क्रिप्ट यूज करी, बुलाते गए 18 रिजेक्शन के बाद काम स्टार्ट हो गया क्योंकि ये भी सीख रहे थे, नए थे, गलतियां कर रहे थे, कोई बात नहीं गलतियां जरूरी है। अब 350 की लिस्ट इसलिए 18 रिजेक्शन हर्ट ही करी, अगर लिस्ट ही 50 लोगों की होगी तो बिजनेस धंधा खत्म हो गया था ना, मैं उसी दिन बिजनेस खत्म हो गया था उसी दिन, अगर बिजनेस खत्म हो जाता तो क्या ये अपने पापा को प्रियंका मैन होंडा सिटी गिफ्ट कर सकते थे, अगर बिजनेस उस दिन खत्म हो जाता तो नहीं, बिजनेस खत्म होता है तो कल इन्होंने चेंजेस दिखाए थे अपने अंदर, क्या है वो चेंजेस हो सकते थे एक इंसान में, नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनको आप देख सकते हो राइट सर। कोई और सवाल आपका इसके ऊपर तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो यार, टूरिज्म बेस्ड बिजनेस है, टूरिज्म यू नो वेरी बिग इंडस्ट्री राइट, और 6.9 इंडिया की जीडीपी कवर, 6% इंडिया की जीडीपी कवर करती है, 2020 में 7.5% इंडिया की जीडीपी कवर करेगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मोदी जी भी इसको एंडोर्स करते हैं राइट, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो मैं इसीलिए टूरिज्म के साथ एसोसिएटेड हो गया, बस सिंपल, टूरिज्म को इतना ही एक्सप्लेन करना है कि जितना हमें करना है, क्या नहीं बताना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं बताना, डोंट्स लिखो जी सर, कहीं थे हम, कहां थे, डोंट्स नेवर एवर टेल नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम कभी मत बताएं, जितना लिखा स्क्रिप्ट यूज करेंगे जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी का नाम कभी मत बताएं,
बस नहीं मिलते हैं तब भी कंपनी का नाम तो सबसे एंड में बताने वाली चीज है सबसे एंड में बिजनेस बता दिया डायरेक्ट सेलिंग बता दी उसके बाद कंपनी का नाम बताने की जरूरत है उससे पहले नहीं हाँ जी मैम अच्छा क्यों नहीं बताना क्योंकि कंपनी का नाम सुनते ही आदमी जज करने लगता है नेट पे डालता है नेट पे जज करने लगता है और आदमी के जज करने का मतलब क्या है गूगल कंप्लेंट्स वगैरह अरे सामने जैसे निकलोगे तभी कर लेगा सामने भी कर लेगा जैसे निकलोगे तभी कर लेगा वो तो वो उसका उस टेक्नोलॉजी पे कितना हाथ है उस पर डिपेंड करता है हमारे सामने कोई नाम लेता है तो हम टक टक उसी समय गूगल कर लेते हैं रीजन एक मिनट पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना क्यों नहीं करना क्योंकि आदमी गूगल कर लेता है राइट गूगल में हम वी आर अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री तो आपको नेगेटिव रिव्यूज भी मिलेंगे पॉजिटिव रिव्यूज भी मिलेंगे राइट सपोज करो मेरे पास ये मोबाइल है लेट अस सपोज आई हैव अ मोबाइल मैम आपका नाम अच्छा किया आपने वंदना जी ये क्वेश्चन पूछा आपने क्योंकि इसका आंसर मुझे देना ही है खैर आगे बट अभी दे देता हूं इसका आंसर सपोज करते हैं कि मेरे पास ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है वेदर आई विल पुट अ कंप्लेंट ऑन इंटरनेट और नॉट मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक चल रहा है क्या मैं इंटरनेट पे कंप्लेंट डालूंगा नो अब ये मोबाइल ठीक चल रहा है क्या मैं इसके अच्छे रिव्यूज डालूंगा इंटरनेट पे हाउ मेनी पीपल पुट गुड रिव्यूज ऑन इंटरनेट कि मेरा मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है हाउ मेनी पीपल कैन रेज देयर हैंड्स प्लीज हाँ जी 20% कहां सर 1-2% मेरा मोबाइल बड़ा अच्छा चल रहा है आई एम वेरी हैप्पी गुड रिव्यूज ऑन गूगल हाउ मेनी पीपल पुट दैट गुड रिव्यूज प्रांजला मैम अरे अक्षय जी आगे आ जाओ आप आगे आओ जल्दी से आओ ना आओ यहां बैठो जल्दी से हाँ जी एब्सोल्युटली तो 5-10% यंगस्टर्स 5-10% यंगस्टर्स दे आर यंगस्टर्स आर नॉट द फुल पॉपुलेशन 5-10% यंगस्टर तो वही हो गया ना 1-2% उससे भी कम हो गया राइट तो क्या करता है आदमी जब आप नॉर्मल अगर काम कर रहे हैं राइट नॉर्मल अगर काम कर रहे हैं नॉर्मल अगर आपका काम चल रहा है तो आप गुड रिव्यूज नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब जब आप गूगल करेंगे किसी भी चीज के लिए तो आपको अच्छे रिव्यू ज्यादा मिलेंगे या बैड रिव्यू ज्यादा मिलेंगे बैड रिव्यू नॉर्मल चीज है ना ये तो क्योंकि बैड रिव्यूज तो वही डालेगा जिसको कोई ना कोई दिक्कत होगी आप एयरटेल डालो एयरटेल कंप्लेंट एयरटेल यू विल फाइंड 24,877 कंप्लेंट्स अभी डाल सकते हो अभी डालो एक बार प्रूफ करने के लिए डालो आप जिसके पास फोन है जस्ट पुट इन गूगल में डालो एयरटेल कंप्लेंट्स ये आपको आंसर देना है आंसर दे रहा हूं आपको ताकि आप भी आगे आंसर दे सको राइट जब आपके पास ये क्वेश्चन है ताकि आप भी आगे आंसर दे सको पुट एयरटेल कंप्लेंट्स सर एप्पल डलवा दो एप्पल सैमसंग डलवाओ माइक्रोसॉफ्ट डलवाओ अच्छा
अग्रवाल स्विफ्ट की डालो और BMW की डालो, अग्रवाल स्विफ्ट की भी डालो, एप्पल की डलवा लो पहले, एप्पल इज वेरी कॉस्ट। फिर भी एयरटेल बंद करवा दिया क्या आपने अपना, या वोडाफोन बंद करवा दिया आपने अपना राइट, तब भी चल रहा ना कंप्लेंट मिलने मिलनी है, क्योंकि कंप्लेंट ही मिलेंगी ना इंटरनेट पे, तो अच्छे रिव्यूज तो नहीं मिलेंगे, अच्छे रिव्यूज नहीं मिलेंगे। अब इसी तरह से जब आदमी हमारे यहाँ पे कंप्लेंट डालता है, जब आदमी हमारे यहाँ पे डालता है नेशनलिस्ट हॉलीडेज, तो नेशनलिस्ट की भी ऐसे ही कंप्लेंट मिल जाती है राइट, नेशनलिस्ट की भी ऐसे ही 18-14 कंप्लेंट मिल जाती है, 18 कंप्लेंट्स हैं, नया नाम 18 कंप्लेंट्स हैं नेशनलिस्ट की भी ऐसी राइट, इसका मतलब 18 कंप्लेंट्स का मतलब हम लोग ने अब तक, हम लोग हर मंथ हर ईयर वी सेल 50,000 पैकेजेस, प्लीज अंडरस्टैंड द एवरेज ऑफ कंप्लेंट्स, एवरी ईयर वी सेल 50,000 पैकेजेस। टूरिज्म में कंपनी 2012 से, आज क्या है सर 2016 और 2012 से टूरिज्म में है कंपनी राइट, तो मतलब कि तकरीबन 2012 से 2016 तक हम 2,00,000 पैकेज दे चुके हैं, 2,00,000 पैकेज, आउट ऑफ 2,00,000 पैकेज 18 कंप्लेंट्स। अगर मैं सारी की सारी कंप्लेंट्स को जेन्युइन भी मान लूं, एक बार को मैं जेन्युइन मान लेता हूं सारी कंप्लेंट्स को राइट, एक बार को आई कंसीडर ऑल द कंप्लेंट्स आर जेन्युइन कंप्लेंट्स। ये बात क्यों बोल रहा हूं ये भी बाद में बताता हूं, एक बार को मैं सारी कंप्लेंट्स को जेन्युइन मान लेता हूं, आउट ऑफ 18 कंप्लेंट्स मतलब आउट ऑफ 200 पैकेजेस सॉल्व ओनली 18 कंप्लेंट्स, इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड, ये प्राउड की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर यू। कितने परसेंटेज क्या होगी भाई साहब है, 0.4 टाइम 0.00009% ओके, मतलब 0.0001 लगा सकता हूं मैं, हाँ जी लास्ट टू ईयर से कोई कंप्लेंट नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब मैं रहता हूं कंप्लेंट्स की जेन्युइनिटी पे, उससे मेरे को कोई मतलब मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है उस बात पे, उस टॉपिक पे हमारे जो कंपटीटर्स हैं जिनको हमने परेशान करके रखते हैं जिनको, वो भी डाल देते हैं राइट सर, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इसीलिए बताना नहीं है क्योंकि नए आदमी को ये सब चीजें नहीं पता होती, न्यू पर्सन डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, उसको तो सिर्फ गूगल पता है बस, उसको सिर्फ गूगल पता है। और अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉमन प्रोफेशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ कॉमन प्रोफेशन, जैसे जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बच्चा बड़े पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, बच्चा बड़े पढ़ लिख के इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, बड़े पढ़ लिख के, ये तीन कॉमन प्रोफेशन तो कॉमन है जो कि हर माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि ये कॉमन मार्केटिंग जब कॉमन प्रोफेशन हो जाएगा अभी 2-4 साल में 6 साल में, तो उसके बाद ये ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंट आनी बंद हो जाएंगी जो कि अनजेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, इसीलिए नाम नहीं बताना राइट सर। अगर आदमी बोले जैसे कि किसी ने बोला दिव्या जी को कि नेशनलिस्ट तो नहीं है, तो भी आपको अवॉइड करना है, नेशनलिस्ट वो क्या है मुझे नहीं बताया राइट, टेबल पे लाना जरूरी है, क्योंकि आप ये देखो ये एक सर्कल है, इस पिक्चर को हमें हिट कराना मतलब कि आदमी को क्लोज करना है, पिक्चर को हिट कराना मतलब कि आदमी को क्लोज करना है, इसमें आपका अपना रोल है और उस आदमी का अपना रोल है, और जो आदमी प्रोजेक्ट दिखा रहा है जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसको प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, जो आपके अपलाइन है उनका अपना रोल है, आपका रोल क्या है कि उसको स्क्रिप्ट का यूज करके उसको टेबल पे लेके आना, एडिफाई करके, एडिफिकेशन क्या होती है वो भी बताऊंगा अभी पहले ये बात बता देता हूँ, एडिफाई करके टेबल पे लेके आना, आपके अपलाइन का क्या रोल है, बैठे आप बैठे उसके साथ प्रोजेक्ट दिखाए
उसकी पूरी क्वेश्चन हैंडलिंग करें, उसकी क्लोजिंग करने की कोशिश करें, जितने भी अप्लाइंस है मेरा उनसे रिक्वेस्ट है उसकी क्लोजिंग करने की कोशिश करें, उसकी क्लोजिंग करने की कोशिश करें, राइट आपका रोल वहां खत्म हो गया था, उसके बाद आपका रोल, उसके बाद आपका रोल क्या है कि आप बैठें और समझें कि क्या बातचीत हो रही है और बीच में कुछ मत बोलें, ये भी आपका रोल है, राइट। कुछ लोग बीच में कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, नहीं करना है वो, राइट। आपका रोल खत्म हो गया इनवाइट करने के बाद, अब आप वहीं बैठो, आपका रोल है अब सिर्फ सीखना क्या हो रहा है, राइट, किस तरह से क्वेश्चन हैंडलिंग हो रही है। अब रोल है आपके अपलायन का, उसके बाद सारी क्वेश्चन हैंडलिंग करने के बाद अगर वो पैसे नहीं देता है तब आपका रोल आएगा कि पैसे उठाना, भाई जब सब कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तेरे पास पैसे भी हैं, तेरे पास ये भी नहीं है तो पैसे देने में क्या दिक्कत, अब कंपनी के भाड़े में मैं हूं ना बैठा यार, पैसे दे। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे अभी, बट मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया आपको, राइट। तो ये ऐसे रोल है आपका, इस तरह से आपका रोल है, इस तरह से इस पिक्चर को हिट बनाना है। एवरीबॉडी इन अ मूवी है, जितने भी हीरोज हैं सबका अपना अपना रोल है भैया, कोई किसी और के रोल में घुसेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। कहां पहुंचे थे हम, नोट्स पे, एसवीस मतलब नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना है। आप नेचर ऑफ बिजनेस बता भी सकते हो लेकिन उसके लिए फिर दूसरी स्क्रिप्ट है, आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो आई हैव अ वेरी फ्लरिशिंग टूरिज्म बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, अगर आप और फास्ट चलना चाहते हो, अगर आपके पास और बड़ी लिस्ट है तो आई हैव अ वेरी फ्लरिशिंग टूरिज्म बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आप ही बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग वही चेन बनाना वही मेंबर बनाना, आप बोल सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट बाय पीपल, और मैं भी पहले यही समझता था, जो तू सोच रहा है मैं भी पहले यही समझता था, बिकॉज इट इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट बाय पीपल, यू नो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज दोस्तों फैक्ट्स और फिगर्स फोन पे देने पड़ेंगे अगर आपको, आज 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, अभी नो गाइडलाइंस आई है, अब तो गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तू नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे मैटर नहीं करता, अब तो गवर्नमेंट ने भी नो लॉ बना दिए, अब तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव हो गई, तो तेरे नेगेटिव होने से क्या होता मेरे भाई, और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं वो कंपनी 14 साल पुरानी है और मैं प्राउड करता हूं कि वो सारे लोग को कंप्लायंस करती है, और मैं इसके बारे में प्राउड करता हूं कि वो सारे लॉज को कंप्लायंस करती है, 14 साल पुरानी कंपनी है, देख कहीं ना कहीं तो तुम्हें काम करना ही, और नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, चेन बनाना मेंबर बनाना ये सब मिसकंसेप्शंस है, जिसको तू टेक्निकल, जिसको तू चेन बनाना समझता है मेंबर बनाना समझता है उसको टेक्निकल भाषा में टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तेरी जिंदगी वैसे तो बदल नहीं रही है लेकिन अगर तू मुझे आधा घंटा दे देगा तो तेरी जिंदगी बदल सकती है, अगर तू मुझे आधा घंटा दे देगा तो तेरी जिंदगी बदल सकती है, इसीलिए तेरे से आधा घंटा मांग रहा हूं, क्योंकि मैं तो एक मिशन में निकला हूं, मेरे पास तो 1000 लोगों की लिस्ट है और मैं तो उनको प्रोजेक्ट दिखाकर ही रहूंगा, फोन पे बोली जा सकती है सब बात, कोई दिक्कत नहीं, आज की घटना तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही बोलो, सीधी बात भी कर सकते हो अगर लिस्ट बढ़िया है तो, राइट सर, दोबारा रिपीट करूं इस बात को, आई हैव अ वेरी फ्लरिशिंग टूरिज्म बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वही चेन बनाना मेंबर बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट बाय पीपल, मैं भी पहले यही समझता था, फील फेल्ट फाउंड बोलते हैं इसको, कि मैं भी तेरे जैसा ही इंसान हूं, राइट, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था लेकिन आज की डेट में मैं समझ चुका हूं क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मिल गया जो जिसने मुझे समझा दिया, राइट, फील फेल्ट फाउंड बोलते हैं इसको, राइट, इसके बारे में बात करेंगे अभी और डिटेल में, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट बाय पीपल, राइट, इट इज नॉट अ चेन सिस्टम, इट इज नॉट अ मेंबर मेकिंग, जिस चीज को तो चेन बनाना समझ रहा है मेंबर बनाना समझता है, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के द्वारा, इसको टेक्निकल भाषा में टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, यू नो दिस इंडस्ट्री टुडे इज गिविंग द रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़ एंड इट विल गिव अ रेवेन्यू ऑफ 9000 करोड़ बाय 2025, नो गुना बढ़ जाएगी, 900% की हो जाएगी, मोदी जी ने क्या बोला मेरे भाई कि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग ऑन रेस्क्यू, ये मोदी जी ने बोला यार, अभी अभी आप देखो डाल मेरे भाई, तो गूगल पे डाल अब मेरे भाई देख, तेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं इसको, लेकिन अगर मेरे से मिलकर तेरी जिंदगी का 1% भी चांस हो बेटर होने का, तेरे से आधा घंटा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तू डिसाइड कर, क्योंकि अगर तुम मुझे एक अगर तुम मुझे मिल लेगा, देखो मैं हर बार अलग अलग बात बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रखी, तो मैं हर बार अलग अलग बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कितनी जा रही है,
राइट, पर कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं आपको, मैं ये समझ रहा हूँ राइट। तो मुझे नहीं मालूम है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हम मिलकर बड़ा कर सकते हैं। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपनी 14 साल पुरानी है और अभी अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, नो गाइडलाइन, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री लीगल हो चुकी है हिंदुस्तान में, इसका लॉ बन चुका है हिंदुस्तान में। और भाई जिंदगी को चेंज करने का ये सबसे बढ़िया जरिया है, मैंने इसको फील किया है, मैंने इसको देखा है। तो आधा घंटा मुझे दे दे, उसको रिजेक्शन देनी है आपको तो ये भी बोल सकते हो कि भाई आधा घंटा मुझे दे दे, नहीं तो वैसे तो तू मर्सिडीज में घूम ही रहा है। अगर उसको रिजेक्शन भी दी जा सकती है, भाई आधा घंटा मेरे से मिलके तेरी जिंदगी बदल